सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को दलित संगठन और देश के राजनीतिक दलों द्वारा पूरे देश में भारत बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारत बंद के दौरान दानापुर डीआरएम कार्यालय के पास आगजनी कर दलित संगठन भीम आर्मी और बिहार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद करवाने पहुंचे नवयुवक एवं दलित समुदाय के लोगों ने सड़कों को जाम कर आगजनी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारत बंद के समर्थकों द्वारा सड़क को जाम कर फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। भारत बंद को लेकर भीम आर्मी के नेता शशिकांत ने बताया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दलित समाज को लेकर फैसला दिया है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट लगातार आरक्षण पर हमला करते दिख रही है, लेकिन इस तरह की मनमानी हम लोग नहीं होने देंगे। आज हम लोग पूरे भारत जितने दलित संगठन है, बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है और आदेश भी है कि एससी एसटी के रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया जाए। मतलब ये है कि अगर वर्गीकरण किया जाता है तो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो बिखर जाएगा। अभी भी आपको क्लास बी में हायर एजुकेशन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। ये वर्गीकरण करने से क्या होगा, क्रिमिनल लेयर लागू करने से क्या होगा कि बहुत सारा दलितों का जो पद निकलता है विभिन्न एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उसमें कैंडिडेट पूरा नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि उसको फिर डी रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब है कि आरक्षण लगभग खत्म करने का जो है प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। एक बात और कह देता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया है उसके काम का नहीं है, ये संसद का, संसद जो है ये नियम बना सकता है कि किसका जो है आरक्षण रहेगा, किसका आरक्षण नहीं रहेगा, किस जाति को जोड़ा जाएगा, किसका वर्गीकरण किया जाएगा। ये विधेयक जो है संसद को काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार आरक्षण पे हमला कर रहा है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। एट्रोसिटी एक्ट पर इसी तरह का उसका डिसीजन था। इसलिए हम लोग सारे दलित संगठन, यहाँ तक क्या राजनीति पार्टियां, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोजपा हो, सभी ने इस बंद का आह्वान किया है और समर्थन किया है। हालांकि आरक्षण को लेकर संसद में तय किया जाता है, लेकिन दलित समाज को क्रिमिलियर से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि आरक्षण समाप्त हो, जिसके लिए इस तरह के फैसले दे रहा है। आपको हम बता दें कि भारत बंद को लेकर बिहार के विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़क जाम फैसले का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।